मूवी के शुरू में हम एक छोटे से टाउन को देखते हैं जहाँ पर दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम एडवर्ड था और एक उसका छोटा भाई। उन लोगों को एल्केमी टेक्निक सीखने का बहुत शौक था, जिसको यूज करके वो किसी भी मेटल को दूसरे मेटल में बदल सकते थे। यानी अगर कोई आम सा मेटल है तो उसे सोने में भी बना सकते थे। इसी का यूज करके वो अपने लिए टॉयज भी तैयार करते थे। एक दिन वो दोनों अपनी मदर को अपना बनाया गया टॉय दिखाने जाते हैं। उनकी मदर उन्हें शाबाश देती है और इसके साथ उसकी भी डेथ हो जाती है। इससे पहले उनके फादर की भी डेथ हो चुकी थी और अब वो बच्चे बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। वो बहुत उदास होते हैं और अपनी माँ की ग्रेव के पास बैठे होते हैं। एडवर्ड अपने छोटे भाई से कहता है कि हम किस तो क्यों ना हम अपनी मदर को भी इस टेक्निक से इस दुनिया में वापस ले आए। लेकिन उसका छोटा भाई समझदार होता है। वो कहता है कि नहीं भैया, ये चीज तो मना है और अगर किसी को पता चल गया तो हमें इसके लिए बहुत बड़ी सजा हो सकती है। क्योंकि वो ये भी जानता था कि अगर इस प्रोसेस के दौरान उनसे कोई गलती हुई तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन फिर भी एडवर्ड अपने छोटे भाई को मना लेता है। वो लाइब्रेरी जाते हैं और इस टेक्निक पर कुछ बुक्स ढूंढने लगते हैं और फिर वो सारा सामान सारे मिनरल्स इकट्ठे कर लेते हैं जिनसे इंसानी जिस्म बना है, ह्यूमन बॉडी बनी है। वो एक व्हाइट कलर का सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर एक बर्तन रख के वो सारे मिनरल्स उसमें मिक्स करने लगते हैं। अब फाइनल प्रोसेसिंग के लिए इनको एक सोल चाहिए थी, तो ये दोनों भाई उसमें अपने अपने खून का एक एक ड्रॉप डाल देते हैं। अब उसके बाद अचानक से वो सामान आपस में मिक्स होने लगता है। उस बर्तन में कोई तूफान मच जाता है। उसमें से अजीब सी एनर्जी निकलती है जो कि हर चीज तबाह करने लगती है और उनका घर इस वजह से टूटने लगता है। इस तूफान में एडवर्ड का छोटा भाई भी खींचा चला जाता है। वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो तो किसी दूसरी दुनिया में जा चुका था। यानी इनसे कोई गलती हो गई थी जिसकी वजह से एडवर्ड के छोटे भाई की जान की कुर्बानी देनी पड़ी उसे। वो उस दुनिया में पहुंच चुका था जहां पर गॉड रहा करते थे। अब एडवर्ड जब बड़ा होता है तो उसे सोच आती है कि मुझे अपने भाई की तलाश में जाना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए। तो वो उसी दुनिया में जाने की तैयारी करता है और गॉड से कहता है कि ऐसी क्या गलती हुई मुझसे कि मैं अपनी माँ को ठीक से बना नहीं सका, मुझे एक बार अपनी माँ को देखना है। तो गॉड उसे एक ऐसे दरवाजे के अंदर भेज देता है जहाँ पर उसे अपनी माँ की सोल की एक झलक दिखाई देती है। एडवर्ड उसे ठीक से नहीं देख पाता और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। एडवर्ड गॉड से कहता है कि मैंने तो अभी उन्हें ठीक से देखा भी नहीं है, मुझे वापस जाने दें। तो गॉड कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम इस चीज की कीमत अदा नहीं कर सकते हो। तो एडवर्ड कहता है कि मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ, इम्प्रूव करना है मुझे अपनी गलती को, ताकि मैं अपने भाई की जान बचा सकूं, उसे वापस से अपनी दुनिया में लेके आ सकूं। तो गॉड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि तुम इसकी भारी कीमत ना अदा कर दो। एडवर्ड कहता है कि ऐसा क्या है मुझे बताएं। तो गॉड कहता है कि इसके बदले में तुम्हारा एक बाजू और एक टांग मुझे देनी होगी तुम्हें। एडवर्ड इस पर राजी हो जाता है और एडवर्ड के छोटे भाई को उसे लौटा दिया जाता है। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि इस दुनिया में एडवर्ड के छोटे भाई की सिर्फ सोल आ सकी थी और इसके बदले में एडवर्ड का एक टांग और एक बाजू भी जा चुकी थी। जब वो अपने भाई को कहीं आसपास नहीं देख पाता तो उसे बहुत दुख होता है और उसे पेन भी हो रही थी अपनी टांग और बाजू में। वो एक आर्मर लाता है यानी कि शील्ड सूट, और उसमें अपने भाई की सोल को डाल देता है। वो अपने भाई से कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी बॉडी वापस लाऊंगा, तुम परेशान मत होना। और फिर वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में अल्केमिस्ट बन जाता है ताकि वो बुक्स पर रिसर्च कर सके और अपनी भी बुक लिख सके अल्केमी टेक्निक पर। तब उसे पता चलता है कि वो अपने भाई की बॉडी एक सूरत में ला सकता है जबकि उसे एक स्टोन मिल जाए। वो स्टोन पर अब रिसर्च करने लगता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ के एक प्रीस्ट के पास है वो पत्थर। वो लाइब्रेरी से अपनी जॉब छोड़ देता है और उस प्रीस्ट से वो पत्थर लेने जाता है। लेकिन वो प्रीस्ट उसे पत्थर नहीं देता बल्कि उस पर मुश्किलें डालता है, उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो पत्थर था ही इतना प्रेशियस। वो प्रीस्ट इससे बहुत लड़ता है और हर जगह तबाह कर रहा था, वहाँ के लोगों को मारने की धमकी दे रहा था। लेकिन तभी एडवर्ड पत्थर से बहुत बड़ा जायंट बनाता है उस प्रीस्ट को मारने के लिए। इसी दौरान वहाँ की आर्मी वहाँ पर आ जाती है और दोनों को रोक लेती है।
इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तभी वहाँ पर आर्मी का कर्नल भी आता है। वो एडवर्ड को बताता है कि स्टोन जैसे कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है और ये प्रेस तुम्हें उल्लू बना रहा था। वो कर्नल कहता है कि अगर वो स्टोन इस दुनिया में आ भी गया हो तो वो इतना स्ट्रांग है कि उसे कुछ भी नहीं होता, वो नहीं टूटता और ना ही चलता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए वो उस पत्थर को आग लगा देता है जिससे वो जलकर टूट जाता है। एडवर्ड को बहुत दुख होता है कि उसने एक नकली पत्थर के पीछे इतनी एफर्ट की। पुलिस प्रीस्ट को छोड़ देती है, उसे आजाद कर देती है और फिर वो उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने उसे ये पत्थर दिया था। वो लोग आर्टिफिशियल इंसान थे जिन्हें किसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल अल्केमिस्ट ने बनाया था। प्रीस्ट इन पर गुस्सा हो रहा होता है कि तभी उनमें से एक आर्टिफिशियल लड़की उसे मार देती है और वो आर्टिफिशियल लड़का उसे खाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड एक जगह पर होता है जहाँ पर उसे आर्मी जनरल मिलते हैं जो कि उसे काफी इम्प्रेस थे। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो मगर अच्छा काम करना चाहते हो। वहाँ पर ही एडवर्ड का दोस्त भी आया होता है। आर्मी जनरल एडवर्ड को बड़े बड़े अल्केमिस्ट के पास भेजता है कि हो सकता है कि वो एडवर्ड की कुछ मदद कर सकें। तभी वहाँ पर एडवर्ड की बचपन की दोस्त आती है और ये वही फीमेल फ्रेंड थी जिसने एडवर्ड के नकली हाथ और बाजू लगाए थे। अब कर्नल इन लोगों को एक बहुत बड़े एल्केमिस्ट के घर लेकर जाते हैं जो कि अपनी बेटी और एक डॉगी के साथ रहता था। वो एल्केमिस्ट एडवर्ड को बताता है कि मेरा काम क्या है। वो इनफैक्ट दो जानवरों को मिला के एक और जानवर बना सकता था जो कि इंसानों की तरह बोल भी सकता था। एडवर्ड उस अल्केमिस्ट से पूछता है कि ऐसा क्या तरीका है कि मैं अपने भाई को इस दुनिया में वापस ला सकूं। तो वो अल्केमिस्ट इन्हें बताता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे इंसान को दोबारा से जिंदा किया जा सके या इस दुनिया में उसकी बॉडी को लेकर आया जा सके, लेकिन हाँ एक स्टोन की मदद से तुम ऐसा कर सकते हो। अल्केमिस्ट एडवर्ड को बताता है कि एक साइंटिस्ट होता था जो कि आर्मी के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट्स किया करता था और वो पत्थर भी उसी के पास है। वो छुपा हुआ है कि कहीं वो कीमती पत्थर उसे ले ना लिया जाए। जिस अल्केमिस्ट के घर में ये लोग होते हैं वो एडवर्ड से कहता है कि तुम अपने भाई की सोल को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं उससे कुछ बातचीत करता हूँ, हो सकता है कि कोई हल निकल आए और इतनी देर तुम उस आदमी यानी उस साइंटिस्ट को ढूंढो। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड और उसके फीमेल फ्रेंड उस आदमी को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। ऑन दी अदर साइड वो अल्केमिस्ट एडवर्ड के छोटे भाई की सोल से बातें कर रहा होता है। वो उसे ये सोचने पर फोर्स करता है कि तुम्हारी सोल कभी इस दुनिया में आई ही नहीं थी, तुम तो इंसान थे ही नहीं। और एडवर्ड का छोटा भाई भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई मैं इस दुनिया में नहीं आया था, तो मेरा एग्जिस्टेंस है क्या, मैं हूँ क्या। वो इस बात पर सोच विचार करने लगता है, सोचने लगता है। अब हम देखते हैं कि एडवर्ड ने और उसके दोस्त ने उस साइंटिस्ट को ढूंढ लिया था। वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर आर्मी से छुप के रह रहा हूँ और इसके रीजन वो बताने वाले होते ही हैं कि तभी वहाँ पर वो आर्टिफिशियल ह्यूमन लड़की आ जाती है जो उन्हें मार देती है। मरने से पहले पहले वो एडवर्ड को बताते हैं कि आर्मी की एक ऐसी लैब है जहाँ पर तुम्हें वो पत्थर भी मिल जाएगा और सारे इन्फॉर्मेशन भी। इसके साथ साथ वो एडवर्ड को कुछ नोट्स भी देता है। अब हम देखते हैं कि एडवर्ड जब उस अल्केमिस्ट के घर जाता है जहाँ पर उसने अपने भाई की सोल को छोड़ा था, तो वहाँ पर उसे उसकी बेटी और उसका डॉग नहीं नजर आता। जब वो उस अल्केमिस्ट के कमरे में जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसके सामने एक अजीबोगरीब क्रिएचर सी थी जो कि उसने दो जानवरों को मिलाकर बनाई थी। वो बात भी कर रही थी। एडवर्ड उसके पास जाता है तो उसे वो क्रिएचर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तभी वो बोलने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तो ये सुनकर एडवर्ड को याद आता है कि ऐसा तो अल्केमिस्ट की बेटी मुझसे कहा करती थी। उसे पता चल जाता है कि ये दो जानवरों का मिक्सचर नहीं है बल्कि अल्केमिस्ट ने अपनी बेटी और अपने डॉग को मिला लिया है एक साथ और उससे ये क्रिएचर तैयार की है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस अल्केमिस्ट को मारने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो एडवर्ड से कहता है कि तुमने अपनी माँ को वापस लाने के लिए अपने भाई की कुर्बानी दी और मैं साइंस में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे अपनी फैमिली को कुर्बान करना भी पड़े तो मैं करूँगा और मैंने किया।
मैंने जो पहला क्रिएचर बनाया था वो भी अपनी वाइफ को मिक्स करके बनाया था किसी दूसरे जानवर के साथ। ये सुनकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। साथ ही वो आर्मी को भी कॉल कर देता है और उसे अरेस्ट करवा लिया जाता है। एडवर्ड काफी उदास हो जाता है कि वो छोटी सी बच्ची की जान नहीं बचा सका। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड उस स्टोन की तलाश में उस लैब के एड्रेस को ढूंढने लगता है जो कि उसे उस साइंटिस्ट ने बताया था, लेकिन उसे वो स्टोन नहीं मिल रहा होता तो वो रोने लगता है। उसके छोटे भाई की सोल जो कि एक आर्मर में कैद थी, उसे लगता है कि ये सिर्फ एक कीमती स्टोन के पीछे है और मुझे यूज कर रहा है। इस बात को लेकर दोनों में बहुत लड़ाई होती है क्योंकि वो ये सोचने लगा था कि एडवर्ड उसका असली भाई नहीं है। वो दोनों बहुत लड़ते हैं और इस वजह से एडवर्ड का हाथ काफी जख्मी हो जाता है। तभी एडवर्ड की फीमेल फ्रेंड रोने लगती है और उससे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं याद हम तीनों बचपन में एक साथ खेला करते थे। वो उसे उसका पास्ट याद दिलाने लगती है और कहती है कि इसका मकसद सिर्फ तुम्हें इस दुनिया में वापस लाना है। ये तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है, तुम क्यों नहीं समझते हो। तुम्हारे दिमाग में किसी ने नेगेटिव चीज भर दी है, तुम सोचने की कोशिश तो करो क्योंकि तुम एक इंसान हो। एडवर्ड के भाई को आहिस्ता आहिस्ता सब याद आने लगता है और वो अपने बड़े भाई से माफी मांगता है। एडवर्ड अब हर लाइब्रेरी में जाता है ताकि उस लैब के बारे में पता लगा सके, लेकिन उसे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती। वो दिन रात एक कर देता है लेकिन आखिरकार वो थक जाता है। तभी वहाँ पर कर्नल आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो उसे बताता है कि ये कोई लैब नहीं बल्कि जेल थी जहाँ पर इंसानों को कैद रखा गया था, और वो बताता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही वो आर्टिफिशियल लड़की वहाँ पर आ जाती है जो उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन कर्नल अपनी जान रिस्क पर रखते हुए उसे ही मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो बाहर किसी को एक कॉल करने जाता है लेकिन तभी वहाँ पर वो कर्नल भी आ जाता है जिसने शुरू में एडवर्ड से कुछ बात की थी। वो उसको शूट कर देता है। उसके मर्डर के इल्जाम में एडवर्ड को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जहाँ पर उसे एक लेफ्टिनेंट बताती है कि कर्नल नहीं उस दूसरे कर्नल को शूट किया है और उसने उस एल्केमिस्ट को भी आजाद करवा दिया है। उस लेफ्टिनेंट की भी कोई बात आर्मी नहीं सुनती थी तो वो एडवर्ड से कहती है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। वो वहाँ के गार्ड पर अटैक करते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो लोग बाहर आकर देखते हैं कि उस पूरे कर्नल को पुलिस ने घेरा होता है। कर्नल को शक होता है कि ये लेफ्टिनेंट नहीं है और फिर उस पर वाकई रिवील होता है कि ये आर्टिफिशियल इंसान है। वो आर्टिफिशियल लड़की अपनी बाकी टीम मेंबर्स को भी बुला लेती है। तभी वहाँ पर एडवर्ड और उसके साथी लेफ्टिनेंट आते हैं। वो आर्टिफिशियल लड़की इस बात को मान लेती है कि उस कर्नल को इस वाले कर्नल ने नहीं मारा बल्कि मैंने रूप बदल कर मारा है। तो एडवर्ड की साथी लेफ्टिनेंट उसे कहती है कि तुम आर्मी के लोगों को क्यों मार रही हो और तुमने उस एल्केमिस्ट को भी आजाद कर दिया है, आखिर तुम चाहती क्या हो। तो वो आर्टिफिशियल लोग कहते हैं कि नहीं, उसको हमने आजाद नहीं किया, वो कोई और ही हो सकता है, हमने जो किया हमने बता दिया। आर्टिफिशियल लड़कियों में से एक लड़की उस एल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए चल पड़ती है और दूसरी आर्टिफिशियल लड़की लैब की तलाश में चल पड़ती है, जबकि आर्टिफिशियल लड़का उन सब आर्मी वालों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। इस दौरान वो मासूम कर्नल भी जख्मी हो जाता है जिस पर इल्जाम आया था कर्नल को कत्ल करने का। एडवर्ड भी इनका पीछा करता है। फाइनली वो स्लैब में पहुंच जाता है जहां पर उस एल्केमिस्ट ने उसके छोटे भाई की सोल को और उसकी बचपन की फीमेल फ्रेंड को कैद किया हुआ था। वहां पर वो एल्केमिस्ट उसे स्टोन की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जिस स्टोन को तुम इतना प्रेशियस और अच्छा समझ रहे हो, मैं बताऊं असल में है क्या, ये लैब नहीं बल्कि एक जेल हुआ करती थी और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारकर उन्हें सेक्रीफाइस कर उनकी सोल से ये स्टोन बनाया गया। उनको हम इतनी पेन देते थे, इतना टॉर्चर करते थे कि उनसे जितनी भी एनर्जी एक्सक्रीट होती थी वो इस स्टोन में डाल दी जाती थी। जब एडवर्ड को ये पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है कि वो जिस स्टोन को अच्छा समझता रहा, असल में वो इतने सारे लोगों की जानों की कुर्बानी के बाद तैयार किया गया। लेकिन तभी वहाँ पर वो आर्टिफिशियल लड़की उस एल्केमिस्ट को मार देती है कि ज्यादा रास मत उगले। और फिर हम वहाँ पर जनरल को भी देखते हैं, आर्मी जनरल को, जो कि इस प्लान का मास्टरमाइंड था, उसके पीछे था।
वो लाइट्स ऑन करता है जिससे हमें पता चलता है कि उस स्लैब की छत पर उन मासूम लोगों की डेड बॉडीज को लटकाया गया था जिन्हें किसी चीज से कवर किया गया था। अब जनरल उन सब में एक एक स्टोन डालने लगता है जिससे वो जिंदा होने लगते हैं। वो अजीबोगरीब क्रिएचर्स में बदल जाते हैं जैसे कोई ज़ॉम्बी हो और फिर जनरल उनको खोल देता है जिससे वो नीचे आकर गिरते हैं और उठ खड़े होने के बाद सबसे पहले वो जनरल पर अटैक करते हैं। अब ये सारे ज़ॉम्बीज बाहर की तरफ जाते हैं और कर्नल परेशान हो जाता है कि ये बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है जिनमें एडवर्ड और उसके दोस्त भी थे कि इन सब ज़ॉम्बीज को मार गिराओ और वो लोग ऐसा ही करते हैं और कुछ ही टाइम में वो सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड और वो कर्नल उन आर्टिफिशियल लड़कियों को पकड़ने के लिए जाते हैं। उनमें से एक आर्टिफिशियल लड़की रिवील करती है कि जब हमें बनाया गया तो हम में ये इमोर्टल स्टोन डाल दिया गया था जिसकी वजह से तुम हमें जितनी भी बार मारो हम जिंदा होकर वापस आ सकते हैं। वो लोग परेशान हो जाते हैं लेकिन तभी एडवर्ड कर्नल को बताता है कि वो लोग तब तक ही जिंदा रह सकते हैं जब तक के स्टोन में उतनी पावर मौजूद है जितनी उन सोल्स में थी। वो उसे कहता है कि अगर तुम इन पे बार बार अटैक करो तो हो सकता है इनकी जान चली जाए और फाइनली ये मर जाए। कर्नल को उसकी बात पे फखर होता है कि तो इसने बड़ी अच्छी बात की है। तो वो अपनी आग के यूज से उन पर बार बार अटैक करने लगते हैं, उन्हें जलाने लगते हैं और फाइनली वो आर्टिफिशियल लोग कमजोर होने लगते हैं, उनका जिस्म टूटने लगता है। अब वो लोग यहाँ पर खत्म हो चुके थे। कर्नल उनकी बॉडी से वो स्टोन निकालता है और एडवर्ड को देता है कि ये लो, अब तुम अपने भाई को बचा सकते हो। एडवर्ड उस पत्थर को लेकर उस दुनिया में जाता है जहाँ पर गॉड और उसका छोटा भाई था। वो पत्थर वहाँ पर देख के अपने भाई की बॉडी को वहाँ से लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी उसे ख्याल आता है कि मेरे भाई की जान के बदले मैं इतने सारे लोगों की जान कुर्बान कर रहा हूँ। इस स्टोन में बहुत सारे लोगों की सोल कैद है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे पास दोबारा जरूर आऊंगा लेकिन एक बार मुझे ये स्टोन दुनिया में लेकर जाने दो। वो वापिस अपनी दुनिया में आता है और उस आर्मर शील्ड यानी अपने भाई की सोल के पास जाके कहता है कि मैं तुम्हारी एक जान की खातिर उतने सब लोगों की जान कुर्बान नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैं कोई और तरीका निकालूंगा जिससे मैं तुम्हारी बॉडी को वापस ला सकूं। बस तुम्हें कुछ वेट करना होगा। एडवर्ड का भाई भी बहुत अंडरस्टैंडिंग था जो कि इस बात को समझ जाता है और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती।